जेल से बाहर निकलते ही 10 सेकंड के केजरीवाल के वीडियो ने मचाया जबरदस्त गदर, देखते रह गए भाजपाई। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जनता से बातचीत करते हुए कहा कि वो 2 दिनों के अंदर सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और वो तब तक सीएम पद पे नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें सीएम पद पर नहीं बैठाती है। लेकिन इसी भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं पहले वो वीडियो। क्या है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें, आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। तो देखा आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर भाजपा को चुनौती दे दी है और साथ ही साथ भाजपा रहित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक सलाह भी दे डाली है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।